फिर भी 65 दीजिए, मगर मैं आज खीरी वालों तराई में कहकर जाता हूं, 73 भी नहीं चलेगी, 65 भी नहीं चलेगी, इस बार 80 की 80 सीटें मोदी जी की झोली में डाल। भाइयों बहनों, आज मैं जब यहां आया हूं तब ये कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस वाले, सपा वाले, बसपा वाले झूठा प्रचार कर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को बदनाम कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मोदी जी को 400 सीट दोगे तो आरक्षण चला जाएगा। भाइयों बहनों, पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर अगर किसी ने डाका डाला है तो अखिलेश यादव की साथी पार्टी कांग्रेस पार्टी ने डाला है। कर्नाटक के अंदर उनको बहुमत मिला, मुसलमानों को 5% आरक्षण दिया। मुझे बताओ भाइयों बहनों, ये 5% आरक्षण किसका कटा? केवल और केवल मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों बहनों का आरक्षण कटने का काम एक कांग्रेस पार्टी ने किया। आंध्र प्रदेश में उनकी सरकार बनी, वहां पर भी मुसलमानों को आरक्षण दिया, और किसका काट कर दिया? पिछड़ा वर्ग का काट कर। मैं आज खीरी के सामने कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी का बहुमत ला दो, इस संविधान विरोधी मुस्लिम आरक्षण को हम समाप्त कर पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा कहते हैं हम एक झटके में गरीबी मिटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आपका ट्रैक रिकॉर्ड देखो, आपकी दादी ने एक झटके में आपातकाल लगाया, पिताजी ने एक झटके में ट्रिपल तलाक को फिर से इंट्रोड्यूस कर दिया, और आपकी पार्टी ने एक झटके में पिछड़ा समाज का आरक्षण छीनने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं इतना कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और उसके चट्टे बट्टे जो हमारे यहां यूपी में ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये पिछड़ा विरोधी लोग हैं, ये बात सभी पिछड़ा वर्ग के लोगों ने समझकर चलनी चाहिए। भाइयों बहनों, मुझे बताओ कि मोदी जी अभी अभी पाकिस्तान से जो भारत में आए हैं, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, उनको नागरिकता देने का कानून सीए लेकर आए, एक खीरी में भी ढेर सारे लोगों के पास नागरिकता नहीं है, यहां बसाहते बसी है। भाइयों बहनों, मुझे जोर से बताओ, ये हमारे हिंदू, सिख, बौद्ध भाई आए हैं, इनको नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? ये राहुल बाबा कहता है, अखिलेश कहते हैं कि हम सीए को हटा देंगे। अरे राहुल बाबा, आप तो क्या, आपकी नानी भी ऊपर से वापिस आ जाए, इस सीए को नहीं हटा सकती। हम मोदी जी के नेतृत्व में एक एक पाकिस्तान, बांग्लादेश से आए हुए भाई बहन को नागरिकता देकर उसका सम्मान करेंगे। और आप बोर्ड लेकर खड़े हो, चिंता मत करो भाइयों बहनों, आपका इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और अजय मिश्रा का अधिकार है, आपका अधिकार कोई नहीं छीन सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे भले आदमी, जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल से
कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट के केस के बहाने धोखा देती रही। मोदी जी को आपने दूसरी बार बनाया प्रधानमंत्री। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ट्रस्ट वालों ने, ये अखिलेश, डिंपल बहन, राहुल बाबा, इनकी बहन प्रियंका, माताजी, खड़गे जी, सबको निमंत्रण दिया, मगर वो प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई, बताओ खीरी वालों, क्यों नहीं गए? ना भाई, वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? अरे जोर से बोलो, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? आप नहीं हो, मुगालते में मत रहना, उनकी वोट बैंक अलग है, अलग। इससे डर कर नहीं गए। अरे राहुल जी, अखिलेश जी, जो राम के काज से डर जाए, उत्तर प्रदेश इसके साथ नहीं रह सकता, नहीं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने इस देश को आतंकवाद से मुक्त कराने का काम किया। सोनिया मनमोहन की सरकार थी, 10 साल उनकी सरकार चली, आए दिन आलिया मालिया जमालिया पाकिस्तान से घुस जाते थे, बम धमाके करते थे और चले जाते थे। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने यहां चौक चौबक व्यवस्था करी। उरी और पुलवामा में पाकिस्तान ने गलती करी, बम धमाके किए, परिणाम क्या है? 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर मोदी जी ने घर में घुसकर पाकिस्तान के आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी। मुझे भाइयों बहनों बताओ, ये अखिलेश बाबू, राहुल बाबा देश को सलामत कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, कर सकते हैं क्या? सुरक्षा दे सकते हैं क्या? गरीबों को घर दे सकते हैं क्या? नल से जल दे सकते हैं क्या? गैस का सिलेंडर माताओं आपको दे सकते हैं क्या? शौचालय दे सकते हैं क्या? 5 लाख तक की सारी स्वास्थ्य की सुविधाएं मुफ्त में दे सकते हैं क्या? गरीबों को मुफ्त अनाज दे सकते हैं क्या? ये कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी ने ये 10 साल में गरीबों को घर दिया, बिजली दी, गैस का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया, 5 लाख तक का बीमा दिया और प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज मुफ्त में देने का काम हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, खीरी वालों, मुझे बताओ, ऐसा होने वाला नहीं है, मगर भगवान न करे ऐसा हो गया तो आप मुझे बताओ, ये इंडी अलायंस का बहुमत आता है तो उसका प्रधानमंत्री कौन बनेगा, बता सकते हैं? चलो मैं एक एक कर पूछता हूं। शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? जोर से बोलना। ममता दीदी बन सकती है क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या? अखिलेश जी बन सकते हैं क्या? और अंतिम नाम देता हूं, हंसना मत, राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अरे भाई, इनके पास तो प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी ही नहीं है। जब पत्रकारों ने उनको पूछा कि कौन बनेगा तो कहते हैं बारी बारी एक एक साल बन जाएंगे। अरे खीरी वालों, ऐसे देश चलता है? अरे अखिलेश, ये परचूरन की दुकान नहीं है, ये देश है देश। एक मजबूत नेतृत्व चाहिए,
वो एक ही है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। भाई और बहनों, इनके पास ना नेता है, ना नीयत है, ना नीति है, है तो परिवारवाद है और कुछ नहीं है। भाइयों बहनों, आज मैं राम गोपाल यादव का एक स्टेटमेंट भी आपको कहना था, वो राम मंदिर को बेकार बताते। मेरी बात याद रखना, जरा भी गलती करी तो ये राम मंदिर पर बाबरी नाम का ताला लगाने का काम करेंगे। इनको मौका दे सकते भाइयों बहनों, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार थी, गुंडई चलती थी, जमीन कब्जाते थे, पूरे के पूरे माफिया उत्तर प्रदेश को कब्जा लेकर बैठे थे। होली दीपावली के दिन बिजली नहीं आती थी, रमजान में 24 घंटा बिजली आ जाती थी, अब होली दीपावली के दिन 24 घंटा बिजली देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार। भाइयों बहनों, आज योगी जी के शासन में ये माफिया जो है, पहले लोग पलायन करते थे, अब माफिया पलायन कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भाइयों बहनों, अपना ये तराई का क्षेत्र, गन्ने का क्षेत्र है, सबसे ज्यादा गन्ना होता है यहाँ। 9 सुगर मिल है, 2 कोऑपरेटिव है, इसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। और मैं बताता हूं, उत्तर प्रदेश में मोदी जी की वहां और यहां भाजपा सरकार बनने के बाद सभी गन्ना वालों का पेमेंट टाइम पे करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, नरेंद्र मोदी। भाइयों बहनों, 20 से अधिक बंद पड़ी चीनी मिलों को बंद किया, 5 मिलें नई बनाई, 38 की क्षमता वृद्धि की, और गन्ना क्षेत्र में, गन्ना की बुआई के क्षेत्रफल में 9 लाख हेक्टर की बढ़ोतरी करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, 2016-17 में 42 करोड़ लीटर इथेनॉल बनता था, आज 154 करोड़ लीटर बन रहा है, और 12 आधुनिक रिफाइनरिया स्थापना करकर 20% इथेनॉल पेट्रोल डीजल में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब बायोफ्यूअल अलायंस भी बन रहा है, इससे पूरे क्षेत्र का विकास होने वाला है। भाइयों बहनों, लखीमपुर खीरी के लिए ये अजय मिश्रा ने ढेर सारे काम करे। ग्राम सड़क योजना में 900 किलोमीटर का रोड बनाया, बिल रहा है पनवारी स्टेट हाईवे का चौड़ीकरण करने का काम चालू है। देवकली अलीगंज मार्ग का पुनर्निर्माण किया, मौलानी से दुधवा नेशनल पार्क के लिए ट्रेन चलाई, लखनऊ से लखीमपुर होते हुए बरेली जाने वाली बड़ी लाइन की रेलगाड़ी की शुरुआत हुई। पालिया में एयर स्ट्रिप का निर्माण हुआ, कास्ता में किनारे एरा पुल से अंबरपुर तटबंधन के लिए सभी कटाव निरोधक कदम उठाए, 1,63,000 गरीबों को घर दिया, 5,00,000 माताओं को गैस का सिलेंडर दिया, 6,66,000 घरों में नल से जल दिया, 17 करोड़ सॉलिड वेट मैनेजमेंट के प्लांट के लिए रुपया लेकर आए, 7,80,000 शौचालय बनाया, किसान सम्मान निधि 6,00,000 किसानों को कहा, भाई मैं तो पढ़ते पढ़ते थक गया। इनकी पूरी सूची अगर मैं पढ़ने जाऊं ना तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठानी पड़े, इतना लंबा काम किया है। भाइयों बहनों, अजय मिश्रा टैनी को जिताना है, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है,
और देश को दुनिया में नंबर वन बनाना है, नंबर वन। चाहे G20 करनी हो, चाहे चंद्रयान को दक्षिण ध्रुव पर उतारना हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक एयर स्ट्राइक करनी हो, चाहे स्टार्टअप की दुनिया नई करनी हो, चाहे यहां उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट का जाला बुनना हो, एक्सप्रेसवे का जाला बुनना हो, सिंचाई की बढ़ोतरी करनी हो, गन्ना की बढ़ोतरी करनी हो, और करोड़ों गरीबों के जीवन में नया विश्वास और आशा देना हो, वो केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे क्या? अरे जोर से बोलो, इतने लोगों की आवाज जानी चाहिए। अखिलेश जी के कान फट जाए ऐसे आवाज से बोलो, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाओगे? कमल के निशान पर बटन दबाओगे? अजय मिश्रा टेनी को तीसरी बार सांसद बनाओगे? 400 पार कराओगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठाओ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचो और प्रचंड आवाज से बोलो, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। इतनी चिलचिलाती धूप में अजय भाई के समर्थन में धूप में खड़े रहकर इतने लंबे समय तक समर्थन करने के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।